राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 के हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। साथ ही ये जो क्वेश्चन हैं आपको ये पेज नंबर 302 पे मिल जाएंगे, लखमीर सिंह जी की जो एचान की बुक है। बच्चों अगर आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड देयर आर वेरियस ट्रिक्स टू लर्न द केमिस्ट्री, राइट? तो केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट आप जो ट्रिक्स लर्न कर सकते हैं वो भी आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एसचैम और एनसीईआरटी की बुक आप घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, वहां से घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एनसीईआरटी और एसचैम की बुक। लेट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है गिवन अलोंग साइड इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपको पीरियोडिक टेबल का दे रखा है, यहाँ पे पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 से दे रखा है। एज वी मूव हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो व्हाट हैपेंड टू द मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट, तो मेटेलिक करेक्टर पर क्या असर पड़ता है। तो हमें पता है ना कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और मेटल्स कौन होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। तो हम देखते हैं कि लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2-1 हो गया। इसी तरह से सोडियम का भी क्या है, 11 है, तो ये हो गया 2-8-1। तो इनके आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटमोस्ट शेल में 3, इनके में 4, इनके में 5, इनके में 6, इनके में 7 होते हैं। तो जिनके आउटमोस्ट शेल 1-3 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। जिनके में 5, 6, 7 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है तो मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज होता हुआ हमको नजर आता है। तो हम लिखेंगे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। तो मेटेलिक करेक्टर कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। अब बोल रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए पीरियड 2 है, तो पीरियड 2 का मतलब सबके पास नंबर ऑफ जो शेल हैं वो भी 2-2 होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ शेल भी 2-2 होने वाले हैं अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम होने वाले हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो आप देखिए फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। साथ में जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये अगर हम इस वाली पीरियोडिक टेबल को देख इस वाले को देखें पीरियड 2 को, तो यहाँ 3 है प्लस का, यहाँ पे प्लस 4 है। फिर आपका यहाँ पर ये जो बोरोन है इसके केस में आपको 5 आएगा, प्लस 6 आएगा, प्लस 7 आएगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज भी कम होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। अब सेकेंड पूछा है हाउ वुड द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने की टेंडेंसी को क्या होता है। तो हमने देखा ना कि यहाँ पर मेटल्स हैं आपके स्टार्टिंग में, और दूसरी तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल्स बढ़ते हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल की करेक्टर जो करेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का होता है। तो यहाँ पे बोला है गेन इलेक्ट्रॉन चेंज में क्या फर्क पड़ेगा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो हम लिखेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द टेंडेंसी ऑफ द Tendency of atoms to gain electrons increases। यहाँ पे tendency electron को gain करने की increase हो रही है। अब यहाँ पे 3 है, how would the tendency of lose electron change as we move लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने की टेंडेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लूज करने की टेंडेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो लूज करने की टेंडेंसी पे क्या होगा, ये डिक्रीज होगी। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, क्योंकि आप देख रहे हो कि वहां पर गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है,
तो लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए मूव, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल वेरी ऑन गोइंग डाउन इन द फर्स्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ग्रुप वन के बारे में बात करें तो ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट्स हम देखते हैं, एलीना की रब से फरियाद, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसके लास्ट में, सबके लास्ट में क्या होता है, वन वन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आउटरमोस्ट शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है। इसके पास एक है, इसके पास दो शेल हैं, इसके पास तीन शेल हैं, इसके पास चार शेल हो जाएंगे, नीचे जाएंगे पांच शेल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकिन आउटरमोस्ट शेल में वन ही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ डज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल वेरी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो पहली बात तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब क्यों होगी ये भी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना इजीली लूज हो जाएगा, है ना। तो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियर चार्ज से बंधे होते हैं, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज से बंधे होंगे जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे उतना ही कम निकलेंगे ये, तो नीचे की तरफ जाते जाते नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इनसे दूर हो रहा है, तो नीचे की तरफ नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ ग्रुप नंबर वन। अब यहाँ पर आपका बी पार्ट आता है, हाउ डज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स वेरी ऑन गोइंग डाउन इन द 17th ग्रुप। तो अगर हम बात करें हैलोजन्स के बारे में तो हैलोजन क्या है, हैलोजन है फिर कल बहार आई आंटी, और इनकी रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, इनके ऑटोमोर शेल में ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। तो देखिए इनके पास एक ही, इनके पास दो शेल है और इनके ऑटोमोर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनकी जो ऑक्टेट है पूरा हो जाएगा, तो ये गेन करना चाहते हैं, इनके पास तीन शेल है। तो यहाँ पर देखिए अब इलेक्ट्रॉन को आना है तो जितना पास में न्यूक्लियर चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना भी ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी ही आएगा। तो देखिए ऊपर के केस में नंबर ऑफ शेल कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज पास में है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी आ पाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होगी, तो हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज इन केस ऑफ हैलोजन्स। तो आपको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जितना दूर होगा उतना अच्छा है, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जितना पास में होगा उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। तो इन्होंने पूछा है कि जो बोरोन वाले जो एलिमेंट्स हैं तो बोरोन के जो है बैगन आलू गाजर थैला, तो बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम है, ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं। आप लोग भी इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में भी आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न किया जाए, पी ब्लॉक के हैं ये। तो उन्होंने पूछा है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन, इन सबकी सेम प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग लिखते हैं बोरोन का तो दिस इज 2, 3, तो ये देखिए 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है तो 10+3, तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी की इन सबके लास्ट में जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 3 है, माने कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो लिखेंगे दे ऑल हैव 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद 6 है आपका, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज क्लोरीन हैव इन कॉमन। अब पूछा है कि जो ग्रुप नंबर 17 है, लाइक फ्लोरीन तो ग्रुप नंबर 17 का है ना, तो ग्रुप नंबर 17 है फिर कल बहार आई आंटी, तो इन सब के लिए कॉमन बात क्या है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे
ये 2.8.7 आ रहा है 17 से, मतलब ये है 2.8.17 नहीं, मतलब कि यहाँ पे 10+7 आ रहा है, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में, सबके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ में, तो इनकी बैलेंसी कितनी होगी, 1। तो सेम बात क्या है, दे ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर बैलेंसी इज 1। 1 क्यों है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत है। नाउ 7th क्वेश्चन है, ए पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड में, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड। तो पीरियड में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हुआ, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 1, तो आंसर आएगा 1। फिर पूछा व्हाट इज द यूजुअल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड। जो लास्ट एलिमेंट है पीरियड में उसका कितना है, तो अगर मैं लास्ट एलिमेंट के बारे में बात करूं तो वो नोबल गैस का ही होगा, ये ग्रुप नंबर 18 में आता है, नोबल गैस का ही लास्ट एलिमेंट होगा। तो लास्ट, तो नोबल गैस के जो आउटरमोस्ट शेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फेल होते हैं कम्प्लीटली, तो लास्ट में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 आएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है सही है या गलत है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्या नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, बिल्कुल नहीं, जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमेन सेम होता है, क्योंकि इस तरह से रखा गया है जो एलिमेंट्स हैं कि वो सेम ग्रुप में आए, और सेम ग्रुप, खास बात यही होती है कि उनके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो ये फॉल्स आने वाला है। तो 8 का जो स्टेटमेंट है दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। 9th, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सच एलिमेंट। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट द पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सच एलिमेंट। तो देखो अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट के बारे में, तो ये हाइड्रोजन आता है, इसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेनेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स कहलाएंगे सारे के सारे। सो फर्स्ट एलिमेंट्स इन द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रुप 1 में आ रहे हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनके 1 है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके कितने हैं, 1। और हाइड्रोजन को छोड़ दें, हटा दें, क्योंकि इसकी तो यूनिक प्रॉपर्टी, बाकी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल्स, दे ऑल आर नोन एज एल्कली मेटल्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट चेंज एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या फर्क पड़ता है, तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम हो जाती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। अभी इसके ऊपर हम इस बारे में डिस्कशन किया था कि नंबर ऑफ पीरियड तो सेम रहते हैं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ पीरियड तो सेम रहते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी ज्यादा होगी, तो जिसकी वजह से जो साइज है एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग बात करते हैं, What happens to the metallic character of the element as we go down in the group of the periodic table? Metallic character पर क्या फर्क पड़ता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देख लेते ग्रुप नंबर 1 से ली ना ई रब से फरियाद, इस बारे में भी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। यह नंबर ऑफ शेल एक एक करके इंक्रीज होता जाता है ना, नंबर ऑफ शेल एक एक करके इंक्रीज होता जाता है, और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो सेम होता है, और न्यूक्लियर चार्ज दूर हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज आसानी से होंगे जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से हो रहा है तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक करेक्टर विल इंक्रीज।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ता है इन दी फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में क्या फर्क पड़ता है, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम, देखो फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, है ना। हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर है और हीलियम का टू है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन है और टू है, तो देखिए वन से टू हो रहा है। तो इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। फिर पूछा इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो सेकंड पीरियड में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माने कि यहाँ पे लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन और फिर आ रहा है न्यून। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। तो क्या हो रहा है सेकंड पीरियड में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ऑटोमो शेल के हैं, तो कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा गया है, हाउ डज द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट चेंज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। देखो बैलेंसी की बात करें तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इधर ऑटोमोशन में 5 है तो इसकी 3 होगी, फिर इसकी 2 होगी, 8 में से माइनस करना है 1 होगी, इसकी 0 होगी। तो पहले इंक्रीज हो रही है देन डिक्रीज हो रही है, तो लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स, अच्छा 13 में लिखेंगे कि बैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस 3 to 0। तो आपको भी ऐसे ही लिख देना है। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चों आपको होपफुली वीडियो पसंद आ रहा होगा, नहीं भी आता है वीडियो पसंद तो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ तक मिट तक आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो साथ ही रेड कलर का बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलें। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, हाउ डज द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट वेरी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। बैलेंसी नीचे की तरफ क्या फर्क पड़ता है, देखिए पहले ग्रुप में ही देख लीजिए, ली ना ही रब से फरियाद, इन सबके ऑटोमोर शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बैलेंसी भी 1 होगी, तो हर ग्रुप में बैलेंसी रिमेन सेम रहती है। तो हम लिखेंगे ऑल दी एलिमेंट्स हैव सेम बैलेंसी व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। अब 15th है, फर्स्ट नेम द फर्स्ट एलिमेंट इन विच फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप बोल तो ये, ठीक है, और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है यहाँ पर, और थर्ड पीरियड में बोले, पहला ग्रुप तो ग्रुप नंबर 1 ये है और थर्ड पीरियड में, तो ये कौन सा एलिमेंट होने वाला है, सोडियम। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लर्न करिए, ट्रिक्स मैंने दे रखी है, ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल के और ट्रिक्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फिर बोला 17 ग्रुप सेकंड पीरियड, तो जो 17 ग्रुप है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता था क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो 17 ग्रुप में आता है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, बोल रहे 17th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन आता है तो यहाँ पर आएगा फ्लोरीन। अब यहाँ पूछा गया है 16th क्वेश्चन, हाउ डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट चेंज इन सेकेंड पीरियड टेबल विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में हम लोग बात करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, फिर भी कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन।
यहाँ पर 2n1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट चेंज इन सेकेंड पीरियड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है, तो देखिए एक एक नंबर से ऑटोमोस शेल में बढ़ता जा रहा है, तो यही आपको आंसर में देना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। हमें एटॉमिक रेडियाई को इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए लिथियम 3, बेरिलियम 4 और फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7, ये आपको याद करना है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3 और 2.7 और 2.5। तो ये देखिए सबके पास नंबर ऑफ शेल तो सेम है, तो अब क्या होगा, नंबर शेल जब सेम होते हैं तो हम न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उसका सबसे छोटा एटॉमिक साइज। तो उन्होंने बोला अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा जिसका होगा फ्लोरीन है, इससे बड़ा फिर नाइट्रोजन होगा, इससे बड़ा बेरिलियम होगा और इससे बड़ा लिथियम होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होने वाला है कि फ्लोरीन का सबसे छोटा एटॉमिक साइज होगा, नाइट्रोजन का उससे बड़ा, बेरिलियम का उससे बड़ा और लिथियम का सबसे। 3 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। इनको हमें ऐसे अरेंज करना है कि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता हुआ नजर आए। तो इसके लिए देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होता है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है। अगर ऑटोमोस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सबसे इजीली लूज होगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन तो पहले एक होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बचाएगा, फिर दूसरा होगा। अगर 3 है तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो लेट सी 12, 20, 19 और 31 ये एटॉमिक नंबर है। इसका 2.8.2 होगा, इसका 2.8.8.2 होगा, इसका 2.8.1 होगा, इसका 2.8.18.3 होने वाला है। तो जो 1 वाला है वो इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे पोटेशियम का जो मेटेलिक करेक्टर है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर हम मेटेलिक करेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 2.8.2 है और यहाँ पे 2.8.2 है, यहाँ पर आपके 3 शेल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके 4 शेल नजर आ रहे हैं। इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि इसका मेटेलिक करेक्टर सबसे कम होगा क्योंकि ऑटोमोस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर 2.8.2, 2.8.8.2, तो यहाँ पे 3 आपके शेल हैं, यहाँ पे 4 है। तो जो 4 वाला है इसमें न्यूक्लियर चार्ज सबसे दूर होने वाला है और न्यूक्लियर चार्ज सबसे दूर है तो मतलब इसका मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके बाद कैल्शियम का आएगा, फिर इसके बाद आपका मैग्नीशियम आने वाला है और फिर सबसे लास्ट में आएगा गैलियम। तो ये ऑर्डर हो गया आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर का, फर्स्ट गैलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन पोटेशियम। तो पोटेशियम का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो इसके लिए आपको एटोमिक नंबर पता होने चाहिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आप बोल रहे हैं कि री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्शन, माने कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें कोई ना कोई करेक्शन है वो आपको बताना है। तो पहला है एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव इक्वल बैलेंसी। तो इक्वल बैलेंसी सेम पीरियड में नहीं होती, सेम ग्रुप में होती है। तो पहले बारे में पीरियड की जगह पे ग्रुप लगा देंगे। सेकेंड है द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इंक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जो मेटेलिक करेक्टर है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है ग्रेजुअली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज नहीं होता, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो हम लिखेंगे डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसके बाद हम फिलिप्स करेंगे 20 वाले क्वेश्चन की। तो फिलिप्स में है पहला द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको 7 है, उनको हम पीरियड बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पीरियड्स। उसके बाद बी है इन गोइंग अ पीरियड लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं इन द सेकेंड पीरियड इन द पीरियडिक टेबल द एटॉमिक साइज ऑफ द एटम। तो एटॉमिक साइज में क्या होता है, देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, तो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे तो उल्टा पूछा हुआ है तो थोड़ा ध्यान देना है। सी है ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द सेकेंड पीरियड, अब दोबारा से राइट टू लेफ्ट बोल रहे हैं द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं, तो राइट से लेफ्ट में आएंगे तो डिक्रीज होगा, तो क्या आएगा डिक्रीजेस।
इसके बाद पूछा है डी ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, अगर नीचे की तरफ जाते हैं द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। ई है द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की गेन करने की जो टेंडेंसी होती है। डैश ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो नीचे की तरफ तो डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज दूर होता चला जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ क्योंकि हमने सारे के सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर ही लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रेड कलर का बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। साथ ही एनसीईआरटी एस चांद की बुक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। फिजिक्स और बायो के सोल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है चैनल पर आपको। तो बाय बाय एवरीवन।